नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं नागरिक अस्पताल हांसी में। 1983 में चौधरी भजनलाल ने इसका उद्घाटन किया था। 60 बेड का ये हॉस्पिटल है। अक्सर इस अस्पताल में डॉक्टरों के अभाव से, यानी कि यह अस्पताल जो है सफ़ेद हाथी के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पूरी हुई या नहीं हुई, या अभी भी इतनी कमी बनी है और मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता था। मैं सुना है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आ गए हैं। आइए SMO से बात करते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं और कितने की रिक्वायरमेंट और है। एक अच्छा हॉस्पिटल 60 बेड का, यानी कि डॉक्टरों के अभाव से सफ़ेद हाथी बनता जा रहा है। आइए नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर मुखातिब हूँ। मैं आज एक ऐसे नागरिक अस्पताल में बैठे हैं जो 60 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टरों के अभाव से सफ़ेद हाथी होता जा रहा है। लेकिन आज हम बैठे हैं ASMO डॉक्टर राहुल बुद्धि राजा जी के ऑफिस में, और उनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की स्केस्टी कितनी है, या डॉक्टर्स आने शुरू हो गए हैं और हॉस्पिटल में किस किस तरह का इलाज होता है, मरीजों को भटकना तो नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका हांसी की आवाज़ पे स्वागत है। धन्यवाद बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, 60 बेड का हॉस्पिटल है। आपके हमने हाउस कीपिंग भी देखी, क्लिनिनेस भी देखी, सैनिटाइज भी देखी, सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स की कमी अक्सर खलती है। अब डॉक्टर्स की कमी कुछ पूरी हुई है या उतनी ही बरकरार है? टोटल कितनी रिक्वायरमेंट और कितने डॉक्टर्स हैं, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सारा बताइए। सर, ये 60 बेडेड सिविल हॉस्पिटल है, इसमें 11 डॉक्टर्स की पोस्ट हैं, जिसमें एट प्रेजेंट 7 डॉक्टर्स, 7 डॉक्टर्स कार्यरत हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर्स ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिसमें डॉक्टर दीपांशु गुप्ता जनरल सर्जन है एवं डॉक्टर पल्लवी मेहता एनेस्थेटिस्ट हैं, जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। और बाकी सिविल हॉस्पिटल हांसी में पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हैं, यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आई सर्जन अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ अवेलेबल हैं, और बाकी PPC में यहाँ टीकाकरण का काम एवं और अन्य नेशनल प्रोग्राम होते हैं। तो और जो सर्जन है उनके लिए यहाँ वेल इक्विप्ड OT अवेलेबल है, तो यहाँ हर प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा भी अवेलेबल है, सारी हमारी एज पर नॉर्म सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, और गायनकोलॉजिस्ट हमारी SMO मैडम गायनकोलॉजिस्ट हैं, सीजेरियन की फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है, तो ऐसी कोई वो नहीं, सब डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। और जनरल फिजिशियन और ऑर्थोपेडिशियन यहाँ अगर और पोस्टेड हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा सुविधा लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। सिविल सर्जन सर डॉक्टर संजय दहिया के अथक प्रयासों के कारण यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में और अन्य फैसिलिटीज़ में बहुत वृद्धि हुई है उनके आने के बाद, और बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ अब हम अवेलेबल करा पा रहे हैं। ये सर्जन आने से डॉक्टर दीपांशु साथ में एनेस्थीसिस्ट है, डॉक्टर पल्लवी मेहता जैसा आपने बताया, कि इन दोनों के आने से कोई सर्जरी भी हुई है, जनरल सर्जरी भी हुई है हॉस्पिटल में? डॉक्टर दीपांशु एवं डॉक्टर पल्लवी के आने के बाद डॉक्टर दीपांशु ने जनरल सर्जरी की सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं, एवं हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है रिसेंटली, और डॉक्टर पल्लवी ने आने के बाद लगभग 11 सीजन सेक्शन कंडक्ट कराए हैं, तो फैसिलिटीज दोनों डॉक्टर स्मूथली अवेलेबल करा रहे हैं। ये हॉस्पिटल मेयरली रेफरिंग हॉस्पिटल माना जाता था, और यहाँ हम बहुत, यानी कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, एक्सीडेंट के केसेस भी अब टेकअप करने लग गए हैं यहीं पे। बिल्कुल, सर्जन के आने के बाद हम ट्रॉमा के केसेस यहाँ रख रहे हैं, और ट्रॉमा केसेस हम यहाँ रख रहे हैं, और जो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल हो रही है उनको ट्रीटमेंट और ऑपरेट करने की फैसिलिटी फिलहाल यहाँ अवेलेबल। आफ्टर मैटरनिटी और आफ्टर सिजेरियन यहाँ, यानी कि जच्चा बच्चा को भोजन भी होता है? बिल्कुल, यहाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार JSSK में डिलीवरी के बाद 48 घंटे तक या 72 घंटे तक, जैसे भी पेशेंट के अनुसार, उनको खाने की फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ टेस्ट भी बराबर, बिल्कुल यहाँ लैब है, जो टेस्ट SDH पे अवेलेबल होने चाहिए सभी टेस्ट यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड भी बताते हैं कि ये रेयर होता था पहले, अल्ट्रासाउंड तो हमेशा बाहर के होते थे, तो अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में होते हैं? बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड की हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि मैं ही दे रहा हूँ, और हमारे पास पैनल पे भी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है। आयुष डिपार्टमेंट भी है? यहाँ आयुष डिपार्टमेंट भी है, जिसमें हमारे होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोनिका लोगों को आयुष की फैसिलिटीज़ भली भांति दे रही हैं।
हाउसकीपिंग कैसी रहती है, क्लीनिनेस कैसी? सैनिटेशन आप स्वयं देख सकते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। सीएमओ साहब के आने के बाद, डॉक्टर संजय दहिया जी के आने के बाद बहुत वृद्धि हुई है इसमें। सैनिटेशन वार्ड्स में आप राउंड ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। ये थे डॉक्टर बुद्धि राजा जी, इन्होंने हॉस्पिटल के बताया कि ये 60 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ अभी 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने बाकी हैं, एक फिजिशियन और दूसरे में बताया कि ऑर्थोपेडिशियन। ऑर्थोपेडिशियन का मतलब कि भी हड्डी को डॉक्टर। तो ये दोनों आ जाने के बाद ये हॉस्पिटल वेल एक्यूब्ड हो जाएगा, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएंगे। अल्ट्रासाउंड तक जिस हॉस्पिटल में होता हो तो वो हॉस्पिटल अपने आप में एक मायने रखता है, शहर के लिए एसेट बन जाता है। एक आपके डिपार्टमेंट है आई डिपार्टमेंट, एक एनेस्थीसिया की नई डॉक्टर आई है, और एक बहुत कन्वेंशनल टाइप का यहाँ एक्सरे होता था, तो कुछ इन में भी कुछ नया चीज़ आई है, नया सामान आया है, या कुछ हॉस्पिटल में कुछ और ऑपरेटिंग मशीनें आई हैं कुछ ऐसा, जरा हम बताइए। सर, सिविल सर्जन साहब के आने के बाद, उनके अथक प्रयासों के बाद हमारे पास आई सर्जरीज के लिए ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आ गया है। डिजिटल एक्सरे करवाने के लिए सर हमारे पास सीआर सिस्टम आ गया, जो कि जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। और हमारे पास एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लिए सर के आने के बाद एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन आया है, जो कि कल इंस्टॉल हो चुका है। ये सभी ये जो एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन है, इंस्टॉल हो गया है? जी सर, कल ही इंस्टॉल हुआ है हमारे पास वो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, जो कि आई का माइक्रोस्कोप आई सर्जरी के लिए माइक्रोस्कोप भी इंस्टॉल हो चुका। जरा पर्सोनिफाई करके बताइए, आई माइक्रोस्कोप से आप फेको की या कैसे, क्या यानी कि उसमें आई माइक्रोस्कोप के आने के बाद यहाँ कैटरेक्ट की सर्जरी शुरू हो जाएगी। हाँ। एक दो अन्य मशीनों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति होते ही वो माइक्रोस्कोप भी शुरू हो जाएगा और आई सर्जरी जल्दी शुरू हो जाएगी। और ये डिजिटल एक्सरे जो बड़ा कन्वेंशनल टाइप का एक्सरे होता था, पुराना टाइप का, जो बड़ा बड़ी मशीनें होती थी, वो डिजिटल कब शुरू हो जाएगा? सर, ये सीआर सिस्टम हमारे पास आ चुका है, जो कि जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा, कंपनी द्वारा इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ डिजिटल एक्सरे शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हांसी सिविल हॉस्पिटल में वे सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं जो कभी नहीं हुई थी। बुढ़ापा पेंशन एक ऐसी पेंशन है जिसे हर बुजुर्ग आदमी लेना चाहता है। अगर जिसके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उसे हिसार जाना पड़ता था फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अपनी एज के लिए डॉक्टर के। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब से कि ये सुविधा कब से लागू हुई है और किन किन तारीखों में ऐसे डॉक्टर्स बैठते हैं जो आयु प्रमाण पत्र फिजिकल चेक करके देते हैं। सर, ये फैसिलिटी अगस्त के महीने से सेल हॉस्टल हांसी में शुरू हो गई, जिसमें प्रत्येक महीने की 25 और 26 तारीख को डॉक्टरों का बोर्ड बुढ़ापा पेंशन के लिए, एज वेरिफिकेशन के लिए हर महीने बैठता है। ये फैसिलिटी अगस्त 2019 से हांसी में अवेलेबल है। महीने में 2 दिन बैठते हैं? 25 और 26 तारीख। 25 और 26 को और यही वेरीफाई करके जाते हैं? यही वेरीफाई। तो चैलेंजेबल नहीं है ये, जो कर दिया उन्होंने फाइनल? ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है और यहाँ बोर्ड द्वारा एज वेरीफिकेशन। पहले ये कहाँ होती थी? पहले सर ये सिविल हॉस्पिटल हिसार में बोर्ड बैठता। तो मित्रों, डॉक्टर साहब ने पूरी हॉस्पिटल के बारे में बताया कि यहाँ सर्जरी चालू हो गई है, यहाँ पेडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, महिलाओं की मैटरनिटी यानी इवन सिजेरियन भी केसेस यहाँ टेकअप किए जाते हैं और सभी तरह किए जाते हैं। हॉस्पिटल का धीरे धीरे जीर्ण उद्धार हो रहा है, आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो सीएमओ साहब ने यहाँ प्रायोरिटी पर लेकर इस हॉस्पिटल को अपलिफ्ट किया है। मिलते हैं फिर एक नए सक्सेस के साथ, नए कार्यक्रम के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। राजीव, नमस्कार।